आप देख रहे हैं 26 टाइम। खबर शामिल करते हैं सियालकोट के नुमाइंदा हाजी मोहम्मद दरवेश की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां सियालकोट सिटी सर्कल पुलिस की जरायम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई, डकैती, राहजनी और चोरी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत, माल मसूरका, नकदी, मोटरसाइकिल, चांदगाड़ी रिक्शा, मोबाइल फोन और असलाह नजायज बरामद, मुलजमान से तफ्तीश जारी। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान की हदायत पर एसएचओ थाना कोतली सब इंस्पेक्टर शहबाज रजा ने टीम के हमरा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती, राहजनी और चोरी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जे से शहरियों से छीना हुआ लाखों रुपए मालियत का माल मसूर का नकदी, 74,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिल, 1 चांद गाड़ी, रिक्शा, 4 अदद कीमती मोबाइल फोन, वारदातों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला असलाह नजायज पिस्टल, 30 बोरमा मुतद्दद गोलियां बरामद हुई हैं। मुलजमान की शनाहत उमर इकबाल उर्फ समंदर वल्द इकबाल सकना दारा आराया, अकबर अली उर्फ अहमद अली वल्द जफर इकबाल सकना दारा आराया और अदनान वल्द खादम हुसैन सकना गोंदल के नामों से हुई है। मुलजमान ने जिला सियालकोट में डकैती, राहजनी और चोरी की दर्जनों से जायद वारदातों के इंकशाफात किए हैं। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरा ने पुलिस टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नगद इनाम का ऐलान भी किया। देखते रहिए 26 टाइम।